हेलो बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर के एक और लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेडिंग डाल लो आप लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? द टोटल प्रेशर स्टेटमेंट है पहले इसका, फिर समझाएंगे। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। लिख लो, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। नोट कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आज आप लोगों को। नोट कर लो पहले, ओके नोट किया, ठीक है। इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन क्या कैसे होगा पहले देखते हैं। पहले समझो क्या था स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे था। उसने बोला तीन पहली कंडीशन क्या है कि गैसेस जो होनी चाहिए आपस में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, यानी दोनों आपस में रिएक्ट करी कोई प्रोडक्ट बना रही है। अगर ऐसा है तो ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा। तीन नॉन रिएक्टिव गैसेज ली, सपोज मैंने इसमें प्रेशर P1 ले लिया, इसमें प्रेशर आप लोगों का ले लिया P2, इसमें प्रेशर ले लिया आप लोगों का P3। तीन नॉन रिएक्टिव गैसेस को जब ऐड करते हैं तो उनका तीनों को मैंने क्या किया, टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स रखा, टेम्परेचर और एक फिक्स वॉल्यूम में, तीनों को एक ही वॉल्यूम किसी एक कंटेनर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, उनका टोटल प्रेशर भी जो है वो ऐड हो जाता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम अपन जिसमें जनरली अपन मानते हैं वो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तीनों को मैंने एक क्लास में ऐड कर दिया, ठीक है, एक ही क्लास में, तो क्लास में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, वैसे ही है। तीनों को एक ही करने पर, ऐड करने पर उनका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, सम हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। एम आई क्लियर फॉर दिस पॉइंट बच्चों? दिस इज रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर। अब देखो, P1 इज इक्वल टू, अपन को पता है, वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT। P1 अगर प्रेशर 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, N1 RT बाय V, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं T और V को। P2 क्या हो जाएगा, N2 RT बाय V। P3 हो जाएगा N3 RT बाय V। अगर टोटल प्रेशर ऐड कर दें, टोटल प्रेशर की बात करें, पी टोटल क्या हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर है। तो देखो, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, तीन अलग अलग नाम से अपने कर लिया। P1 प्लस P2 प्लस P3, देखो P टोटल, P1 की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, N1 RT बाय V, N2 RT बाय V प्लस N3 RT बाय V, ठीक है। तो टोटल प्रेशर भी क्या हो गया, ऐड हो गया, RT बाय V मैंने कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय V। इसको मैं मान रहा हूँ N टोटल, लेट N टोटल इज इक्वल टू हो गया N1 प्लस N2 प्लस N3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P टोटल इज इक्वल टू N टोटल, इस वैल्यू की जगह N टोटल RT बाय V।
ये इक्वेशन फोर्थ नाम दे दीजिए। क्लियर है? अब आगे का सिनेरियो, कोई सी भी इक्वेशन ली मैंने, सपोज इक्वेशन 1/4 किया, इक्वेशन 1/4, इक्वेशन 1 जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में बोलते हैं P1, तो P1 जो है वो क्या हो जाएगा, P1/N1R total/V अपॉन, ठीक है, अपॉन में आ गया P2N total RT/V। देखो RT/V कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा P1 is equals to P total is equals to N1 by N total, ठीक है, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, इट इज द नोन एज द मोल फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर। तो इसको क्या लिख देंगे, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, X1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो P1 is equals to X1 into P total। क्लियर है? ये मैंने निकाला इन दो का रेशियो। अब मैं सेकंड और फोर्थ का ले सकता हूँ, थर्ड और फोर्थ का ले सकता हूँ, तो रेशियो कैसे लेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, P2 is equals to X2 into P total, P3 is equals to X3 into P total। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, खत्म कहानी, इतना सा रिलेशन है। ये तुम्हारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। क्या, दोबारा सुन लो, कि जब तीन नॉन रिएक्टिव गैसेस को ऐड करते हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तीन इक्वेशन वैल्यू सॉल्व की, ये डेरिवेशन आप लोगों, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का रिलेशन है। नोट डाउन कर लो अच्छे से बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन किया, नोट डाउन कर लो, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, अब इसका एक न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से ही। अब देखो क्या बोलता है इसका एक न्यूमेरिकल की बात की जाए, ये बात कर रहा है, हाँ, नियॉन इज अ गैस और डाइऑक्सीजन मतलब O2 इज अ मिक्सचर ऑफ कंटेन्स, कितना, नियॉन जो है 167.5 ग्राम है और डाइऑक्सीजन जो है 70.6 ग्राम है, क्वेश्चन में गिवन है। मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल 5.4 सॉल्व करा रहा हूँ, 70.6 ग्राम। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर टोटल, पी टोटल जो दे रखा है आप लोगों को 25 बार दे रखा है, ठीक है, और आप लोगों से क्या पूछा है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। अच्छा, तुम्हें पार्शियल प्रेशर पी ऑफ एन ई निकालना है और पी ऑफ ओ टू निकालना है, दोनों का पार्शियल प्रेशर आप लोगों को इंडिविजुअल सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? देखो कैसे रिलेट करेंगे, पहले मोल निकालने पड़ेंगे, एन ऑफ एन ई निकालोगे वेट इन ग्राम, 167.5 डिवाइडेड बाय नियॉन का मॉलिकुलर मास होता है 20, एटॉमिक नंबर 10, फिर एन ऑफ ओ टू निकालोगे विच इज आएगा 17.6 ग्राम, डाइऑक्सीजन ही दे रखा है, तो ये आ रहा है आप लोगों का डिवाइड बाय 30, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ रहा है 2.21 मोल, और 167 वाले सेक्शन में आ रहा है 8.375 मोल। ये तुम्हारे पास आ गए मोल। अब इसके बाद की जाती है मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x ऑफ एनी गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, तो x ऑफ एनी क्या हो जाएगा, n ऑफ एनी अपॉन n ऑफ एनी
प्लस एन ऑफ ओ टू, एन ऑफ एन ये 8.375 अपॉन 8.375 प्लस 2.21, ये तुम्हारा x ऑफ एन ही आ जाएगा। x ऑफ ओ टू अगर बात की जाए तो एन ऑफ ओ टू, एन ऑफ ओ टू प्लस एन ऑफ एन ई, सॉरी एन ऑफ एन ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.21 अपॉन 8.375.2.21। तीनों के दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है नियॉन वाला 0.79, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन आ रहा है 0.79 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो आ जाएगा वो सब ट्रैक कर देते हैं, फिर भी करोगे तो 0.21 आ जाएगा। बस यहाँ आगे की कहानी बिल्कुल क्लियर है क्या? पी ऑफ एन ई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन ई इंटू पी टोटल, पी ऑफ ओ टू इज इक्वल्स टू है एक्स ऑफ ओ टू इंटू पी टोटल। P ऑफ एनी निकालते हैं पहले, विच इज x ऑफ एनी 0.79 और P टोटल प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन में 25 बार, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। P ऑफ O2 की अगर बात की जाए तो हो जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई बाय 25, दोनों के आंसर आएंगे। इसका एक का आंसर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन आ जाएगा 19.75 बार और ये आ जाएगा 5.25 बार। प्रेशर की यूनिट जो होती है वो आपको पता है बार होती है, तो बार आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है। ये इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग के आएंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि गैसेस को जब ऐड करते हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सिंपली डेरिवेशन फॉर्मूला ये तुम्हारे ट्वेल्थ में भी काम आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को करवाया, नोट डाउन कर लो किया, ठीक है बच्चों। इस तरह के न्यूमेरिकल्स अपन और भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम का एक और नया टॉपिक लेके आएंगे इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।